हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो लोकल और ओरिजिनल डिब्बे में क्या अंतर है? लोकल और ओरिजिनल डिब्बे का अंतर जो है, जो डिब्बा 500 रुपए का मिल रहा है उसका, वो भी जो मेरे पास मैसेज आया था, दरअसल क्या है उसमें कि 500 वाला जो डिब्बा होता है उसके अंदर डेक्सोना और भूख की गोली जो आती है सिप्लेक्टिन, वो मिला दी जाती है और एक गंदा सा पाउडर मिला दिया जाता है जो कि हमारी आंतों में चिपक जाता है। तो आप समझिए, प्लीज आप ऐसे डिब्बे मत खाइए जिनसे आपको फिर आगे दिक्कत होती है, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, एग्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो डिब्बे से साइज तो बढ़ रहा ना आजकल, साइज तो बस यही है कि यही है, हमारे जो है ना कुछ भाई ऐसे हैं जिनको साइज चाहिए, जिनका ये है कि परपस डिब्बा चाहे नकली हो लेकिन हमको साइज मिलना चाहिए, उसका दुकानदार से कहना ये होता है कि भाई कैसा भी दे दो लेकिन साइज आना चाहिए। और भाई कोई कोई आता जिम में कहता खाली मेरे को हाथ ही बना, वो हाथ जो होता है कि वो हाथ की मसल हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हाथ के लिए अलग होती है, बाइसेप्स की मसल तो होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि डिब्बे से कोई हाथ बन जाता है, ये सब झूठ होता है कि डिब्बे से कोई हाथ बन जाएगा या आपका बॉडी पार्ट कोई भी एक, मैं ट्राइसेप बोलूं या बाइसेप या चेस्ट की, इस डिब्बे को खा लीजिए और आपका बाइसेप बन जाएगा, ट्राइसेप से झूठ होता है। बॉडी का आप जहाँ से एक्सरसाइज करोगे बॉडी उसी पार्ट को बनाएगी। तो आप कहना क्या चाहते हो, मतलब जो हम सस्ता डिब्बा लेते हैं या फिर जो महंगा लेते हैं उन दोनों में क्या कुछ हाथ पे रिलेटिव होता है या हमारे लीवर पे? जो ओरिजिनल जो डिब्बा होता है उसका क्या होता है, उसका मेन मीनिंग ये होता है कि जो हम खाने से जो मिलता है हमें वो एक प्रोटोटाइप में सुखा के बना दिया जाता है, जैसे कि दूध से वो बना उसका पाउडर, नहीं जो ओरिजिनल जो होता है वो किससे बनता है? वो हमारे पाउडर जैसे दूध से बना दिया जाता है, उसके अंदर हाँ उसके अंदर विटामिन ए बी सिक्स प्रोटीन आयरन जिंक मैग्नीशियम करके सारी चीज़ें डाली जाती है जो कि हमारे हमें खाने से मिलती है। लेकिन क्या होता है एक्सरसाइज के बाद वो चीज़, जो, जो सस्ता डिब्बा होता है वो किस चीज़ से बनता है? वो उसके अंदर भूख की गोली जो आती है और एक डेक्सोना करके टैबलेट आती है वो मिला दी जाती है और एक नकली एक ऐसा पाउडर होता है जो कि हमारी आंतों को चिपक जाता है, जो गंदा एक पाउडर होता है वो हमारी आंतों में चिपक जाता है। बट क्या होता है कि जो डेक्सोना जो मिलाई जाती है और भूख की गोली जो मिलाई जाती है उनसे डेक्सोना से हमारा साइज अपने आप बॉडी जो बढ़ने लगता है, लीवर पे सूजन आने लगती है, हमारा लीवर बढ़ता है और जो भूख की गोली होती है उससे हमारी भूख बढ़ने लगती है। बच्चे सोचते हैं कि मैंने अब डिब्बा लिया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और इससे मेरी भूख बढ़ रही है। आप एडवाइस दो, लोकल डिब्बा ओरिजिनल डिब्बा कौन सा बेस्ट है? बेस्ट है ओरिजिनल, लेकिन टाइम लगता है, 1 से 2 साल लगता है, आप अपनी मेहनत पे अपनी डाइट पे विश्वास रखो। कई बार जब तक हमें फल नहीं मिलता तब तक हमारा मन भी नहीं करता मेहनत करने का, उसके लिए कुछ बता सकते हो? उसमें ऐसा होता है कि मेहनत आपको शुरू से करनी होती है। नहीं शुरू से तो आप कह रहे हो ठीक है शुरू से मेहनत करें, बट जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता फिर हमारा मोटिवेट कैसे होना? मोटिवेट डिब्बे से रिजल्ट आता है, ओरिजिनल डिब्बे से रिजल्ट आता है लेकिन टाइम लगता है, कम से कम 3 से 6 महीने अच्छी डाइट अच्छी मेहनत। तो फिर लोकल डिब्बे से इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? वो ये होता है ना कि 1 महीने के अंदर कवर करना चाहते हैं, सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर ही मैं वेट गेन हो जाए और मेरा बाइसेप बन जाए, चेस्ट बन जाए, लेग बन जाए, सब चीज वो 1 महीने के अंदर करना चाहते हैं। वो जो डिब्बा है जो लोकल है सब आते हैं साइज आ जाता है, तो फिर वो क्या मतलब उतना ही रहता है गिर भी जाता है? फिर 1 महीने के बाद जैसे ही उनका असर खत्म होता है वो डाउन हो जाता है, जो उनका वेट गेन होता है 5 से 6 किलो वो डाउन हो जाता है। बात समझने की एक ये है कि अगर आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देखते हो उसकी लाइफ में 10 साल हो जाते हैं उसको कंटिन्यू करते करते, उस बॉडी के लिए मेहनत डाइट प्रॉपर उसकी एक अच्छा एक तरीका होता है तब जाकर उनकी बॉडी बनती है। ठीक है दोस्तों, समझो प्लीज लोकल मत खाओ, कोई चीज 500 की आप 4000 में 3800 में ला रहे हो आपकी बॉडी को नुकसान करेगी, आपके फ्यूचर में आपको लीवर किडनी पे इफेक्ट डालेगी, फिर बाद में इलाज के लिए पैसे भी नहीं होंगे। प्लीज आप समझो मत खाओ ऐसी चीजें।